सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से मुलाकात करने लाहौर मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात शुरू हो गई है। सियासी सूरत हाल और ईद के बाद होने वाली अपोजिशन की APC पर इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। उमर असलम, मुलाकात का आगाज हो चुका है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे। उनके हमरा कमर चौधरी मंजूर भी मौजूद थे, जबकि कमर जमान कायरा भी। सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब भी मौजूद थे। इस वक्त दो बड़े अहम सियासी रहनुमाओं के दरमियान जो है वो अहम बैठक इस वक्त जारी है। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से मशावरत की जा रही है, एजेंडे पर बात की जा रही है, APC के क्या नकात होंगे इस पर भी गुफ्तगू की जा रही है। सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात में जो है वो इस पर भी मशावरत की जा रही है कि ईद उल अज़हा के बाद APC को किस तरीके से कामयाब बनाया जाए। उनका दोनों ही सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है और इसी तनाजुर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतहाई अहम है। ईद उल अज़हा के बाद होने वाली APC के नकात जहां पर जो है वो फाइनल के हवाले से मशावरत की जा रही है। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि ओपोजिशन और अवाम एक पेज पर हैं कि इमरान खान को जाना होगा। लाहौर में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज की बातचीत का नतीजा ईद के बाद आएगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि ईद के बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा वो तो सारे अपोजिशन मिलके फैसले लेंगे और जो भी मुतहदा अपोजिशन का फैसला होगा चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। वैसे इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं तो अपोजिशन को जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए उनका मिसाइल के हल निकालना पड़ेगा। इस हुकूमत को जाना होगा इसलिए कि नाजायज भी है और नाअहल और नालायक भी है। तो इस एतबार से हमारा मौका बिल्कुल मुख्तलिफ है आम हालात के मुकाबले में। हम सब दोबारा बैठ कर सोच रहे हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पहले रहबर कमेटी बैठेगी, वो कुछ तजावीज़ मुरतब करेगी एजेंडे के तौर पर और फिर APC जो है उसको। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अपोजिशन ने नैब कानून में 35 तरामीम पेश की हैं। अपोजिशन की तरामीम से एहतसाब का इदारा बेमानी होकर रह जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन को बता दिया कि आपकी तरामीम तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं। नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज की कि ये 35 तजावीज हैं जो हम समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। अब जनाबे वाला, उन 35 तजावीज को हमने समझा, हमारी लीगल टीम ने समझा और लीगल टीम ने समझकर वजीर आजम की खिदमत में उनको पेश किया, वजीर आजम की खिदमत में पेश किया और तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद मैंने इनकी खिदमत में हाजिर होना था और उनकी खिदमत में हाजिर होकर जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी खिदमत में पेश करना था, जो कि मैंने किया। और उसमें मुख्तसरन बात यह थी कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी।
वफाकी हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग के जराइम की सजाएं सख्त करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुलजमान पर भारी जुर्माने लगाए जाएंगे। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास बताइएगा तफसीलात। जी, वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में तरामीम करने जा रही है और तरामीम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुलजमान हैं उनके ऊपर भारी जुर्माने लगाने की सिफारिशात तैयार की गई है। जो तरमीमी बिल पेश किया गया है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजमान पर जुर्माना 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी मुलजमान पर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने लगाने की सिफारिश की गई है। जबकि तरमीमी बिल के तहत तफ्तीशी अफसरान के इख्तियारात में भी इजाफा किया गया है और अफसरान को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो अदालत की इजाजत के बगैर, अदालत के वारंट के बगैर मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुलजमान है उनको गिरफ्तार कर सकेंगे और इस जुर्म में मुलव्वस अफराद की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील भी कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ को कोरोना के बायस घर से निकलने से मना किया है। मियां नवाज शरीफ का कोरोना वबा में बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ दिल के मर्ज की वजह से इंतहाई खतरे में है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ को कोरोना के बायस घर से निकलने से मना किया है। मियां नवाज शरीफ का कोरोना वबा में बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। हुकूमत ने पेट्रोल बहरान के इंक्वायरी के लिए कमीशन कायम कर दिया है। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि कमीशन के सरबरा और अरकान का तकर्रुर जल्द कर लिया जाएगा। FIA, IB और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क में गंदम और चीनी की कोई किल्लत नहीं, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आटा और चीनी उसके लिए गो के जखायर बिल्कुल मुकम्मल मौजूद हैं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि हम कहें कि हम कुछ स्टॉक्स की कमी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है और वो इकदाम लिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो 1.5 मिलियन टन का जो एक डेफिसिट है इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है। कौम को भी नज़र रखनी चाहिए कि वो लोग जो ज़खीराअंदोज़ी करते हैं, वो लोग जो कि मार्केट से खेलते हैं, हम उनकी उस पर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि बड़ी सख्ती से देखे। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि उम्मीद है कि दौरान हिरासत तशद्दुद और अमवात से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर हो जाएगा। कहती हैं कि इंसानी हकूक से मुतालिक बहुत सारे बिल्स कौमी असम्बली में रुके हुए हैं। कम उम्र में बच्चियों की शादी, घरेलू तशद्दुद और हिरासत में तशद्दुद के खात्मे से मुतालिक बिल्स सेनेट में नहीं आए। ये तमाम बिल्स कौमी मुफादात से मुतालिक हैं, इन्हें सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। उम्मीद है कि सेनेट से तो निकल आएगा, लेकिन ये सारे इंसानी हकूक के जो बिल्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं वो सब नेशनल असेंबली में रुके हुए हैं। एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल है, बच्चियों की शादी कम उम्र में जो की जाती है और उससे जो तबाही फिरती है उनकी सारी जिंदगियों पर, और एक ये टॉर्चर वाला बिल है, तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस का है, घरेलू तशद्दुद का। ये बहुत अहम बिल्स हैं इंसानी हकूक के और इन्हें हम लोग नॉर्मली जो भी हमारे जैसे भी ताल्लुकात हों हम पास करते हैं, उनके अगर वहाँ से आते हैं तो हम ज़रूर पास करते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट के बिल्स हैं। तो मेरी इस्तदा होगी कि इनको प्लीज़ सीरियसली लें, संजीदगी से लें और अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। पिशावर में ईद कुर्बान नज़दीक आते ही मसाला जात की कीमतों को भी पर लग गए। गर्म मसाले की कीमत में 70 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया। सुर्ख मिर्च और दीगर मसाला जात भी महंगे कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अजमत अली शाह। ईद कुर्बान हो और चटखारेदार खाने ना हो, ये कैसे हो सकता है? गर्म मसालों और मजेदार खानों का चोली दामन का साथ है, लेकिन मुनाफाखोर यहाँ भी बाज ना आए। जायकादार खानों में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया। पहले हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं के बराखानी हुकूमत में बहुत महंगाई थी, अभी 480 रुपए किलो मसाले हो गए, हर शे महंगे हो गए, हमारा सब कुछ आटा महंगा हो गया, सब कुछ रहा मेरे महंगे हो गए, हम क्या करें? हम हुकूमत से मुतालबा करते कि महंगाई पर कंट्रोल पाए और ये गरीब आवाम इसकी इतनी वस नहीं है कि वो कुछ खरीद ले, इसकी बस में इतने कुछ नहीं कि खरीद ले।
महंगाई की मारी आवाम पर एक और मुश्किल आन पड़ी है। खुश्क मसाला जात के साथ साथ बाजार में प्याज 80 रुपए, टमाटर और हरी मिर्च 120, जबकि अदरक और लहसुन 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पेमरा सनीम बेग ने रीजनल ऑफिस गुजरांवाला का दौरा किया। गैर अखलाकी मवाद और इंडियन चैनल्स की केबल पर तरसील के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पेमरा का कहना था कि केबल ऑपरेटर्स को पेमरा कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया से मवाद लेकर चलाने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर केबल ऑपरेटर्स का लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। केबल ऑपरेटर्स वो मवाद आवाम को दिखाएं जो बच्चों के लिए मुनासिब हो। फहश और गैर अखलाकी मवाद नशर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को रिलीव करने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान को डिप्टी कमिश्नर बस्ती कराची बरकरार रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ज़ियाउर रहमान अभी तो लगे हैं, वो मेहमान हैं, उन्हें इतनी जल्दी रवाना नहीं करेंगे। वो दीगर सूबों में तायुनात थे तो तब किसी को नजर क्यों नहीं आया कि ये मौलाना फजल रहमान के भाई हैं। ज़ियाउर रहमान सरकार के मुलाजिम हैं, जब हटा देगी तो चले जाएंगे। देखें अभी तो आए हैं और मेहमान को इतनी जल्दी रवाना नहीं किया जाता, ठीक है। ये सोच उस वक्त वफाकी हुकूमत को क्यों नहीं आई जब 6 माह पहले उन्होंने इनको यहाँ भेजा था। उस वक्त उनको कानून का बात पता नहीं था, उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं। उस वक्त उन्होंने बड़ी तारीफ़ें करके इनको यहाँ भेजा था, लेकिन अभी हमारे मेहमान हैं, आराम से जाएंगे, यहाँ थोड़ा थकन वकन उतारे, हमारे भाई हैं ये। जिसमें वाइस चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन बेगम परवीन सरवर, मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम, गेस्ट ऑफ ऑनर और प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने शुरुका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हिदायत पर इदारों में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। हेपेटाइटिस खामोश मोहलिक बीमारी है जिससे आगाही और बरवक्त इलाज जरूरी है। इस मौके पर चेयरपर्सन शोबा मेडिसिन प्रोफेसर बिल्की शबीर का कहना था कि तकरीबन 90% हेपेटाइटिस के मरीज को अपने मरज का इल्म ही नहीं होता, जो कि एक काबिल तश्वीश बात है। चीफ एग्जीक्यूटिव में अस्पताल लाहौर प्रोफेसर असद असलम खान, रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद असगर नकी ने भी कहा कि हेपेटाइटिस की मुफ्त अद्वियात दस्तियाब हैं। आखिर में डीन पब्लिक हेल्थ के EMU प्रोफेसर सायरा अफजल ने बेगम परवीन सरवर को यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री बुक पेश की। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने बड़ा ऐलान कर दिया। मानसहरा थाकोट एक्सप्रेसवे आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि 80 किलोमीटर दो तरफा मानसहरा थाकोट एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए ओपन है। ये 40 किलोमीटर चार लेन की हवेलियाँ मानसहरा मोटरवे का तौसी मनसूबा है। आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि इस मनसूबे पर 136 अरब रुपये की लागत आई। हाईवे पुलिस और टोल स्टाफ तैनात कर दिया गया है।